हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे को फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी ई पाठशाला में। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो हमारा 15 जनवरी वाला वीडियो है वो आपका लास्ट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो हमारा बचा हुआ था एक माह का, दिसंबर माह का जो करंट अफेयर बचा हुआ था उस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो ये हमारा लास्ट वीडियो होता, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आए जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे, उनका ये कहना है कि समय कम है, तैयारी जो हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक पोर्शन है, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या उसके लिए कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटेजी, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग का एक वीडियो और बनेगा जो आएगा आपका 18 जनवरी को। 18 जनवरी को आपका सबसे एंड वीडियो रहेगा इस सेशन का। तो उस वीडियो में हम जो आपका सेकंड पेपर है, पेपर नंबर 2 सी सेट, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयारी करनी है आपके मैथ पोर्शन से, रीजनिंग पोर्शन से, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा जीएस पोर्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को बता दूंगा। तो एक उस पर एक स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग वाला वीडियो आपका अंतिम रहेगा। उसी 18 जनवरी वाले ही वीडियो में मैं आपको जो आपका सी जी पी एस सी ई पाठशाला का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका लास्ट टेस्ट पेपर, टेस्ट नंबर 4 इंडियन हिस्ट्री, ये आपका अंतिम टेस्ट होगा, उसके बारे में भी आपको उसमें जानकारी दे दूंगा और आपका 18 जनवरी को वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हो सके तो आपके फरवरी मंथ के स्टार्टिंग वीक में जो आपका छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है, जो जनवरी माह का रहेगा, उस पर शायद एक वीडियो में बना सकता हूं। शायद देखिए उस समय का जो टाइमिंग क्या रहेगा, समय वो समय बताएगा, उसके हिसाब से आपको जनवरी माह का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा फरवरी के स्टार्टिंग वीक में, यदि समय रहा तो। ठीक, तो वैसे तो फिलहाल जो आपका 18 जनवरी का जो वीडियो है उसे इस सेशन का हम लास्ट वीडियो मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट पेपर में आपको एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी सी सेट पेपर नंबर 2 के लिए, और साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 4 इंडियन हिस्ट्री, लास्ट टेस्ट पेपर आपको उस दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं आपके दिसंबर माह के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में पहला है आपका राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था यह स्थापित किया गया है आपका वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? वडोदरा गुजरात में, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था। इस रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात भारत देश का तीसरा ऐसा देश है जिसने अपना खुद का रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित किया है। इस भारत से पहले रशिया और चाइना केवल दो ऐसे देश थे जिन्होंने रेलवे के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित किया था। तो अब इस रशिया और चाइना के बाद भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसने रेल यूनिवर्सिटी स्थापित किया है। इस रेल विश्वविद्यालय में मानव क्षमताओं, मानव कुशलताओं का सृजन किया जाएगा तथा आधुनिक इस रेलवे के दौर पर जो R&D मीन्स रिसर्च एवं डेवलपमेंट इस रेलवे विश्वविद्यालय में किए जाएंगे। ठीक है, तो देश का पहला आपका रेल विश्वविद्यालय कहाँ है मौजूद है पूछा जाए तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ? वडोदरा में। ठीक, नेक्स्ट है आपका बोगीबेल ब्रिज। बोगीबेल ब्रिज जो कि आपका देश का सबसे लंबा आपका सड़क रेल पुल है। देश का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है? आपका बोगीबेल ब्रिज, जिसकी लंबाई है आपका 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो देश का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। सड़क रेल पुल, देखिए पुल एक ही है जिसमें दो लेयर है, नीचे साइड आपका रेलवे ट्रैक बिछा हुआ जिसमें ट्रेन चलेंगी और ऊपर साइड आपका सड़क बना हुआ जहां पे आपके ट्रक, कार, मोटर ये सारी चीजें चलेंगी। तो ये देश का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। ठीक, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित है। कहाँ निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। लंबाई 4.94 किलोमीटर। ये जो है आपके जो बोगीबेल ब्रिज है, बोगीबेल ब्रिज आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ेगी। ये दोनों जगहों के नाम याद रखिएगा। बोगीबेल ब्रिज किन दो जगहों के मध्य निर्मित है? तो असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित देश का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इतना फैक्ट याद रखिएगा, जगह के नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम परिवर्तन के लिए काफ़ी समय से मांग उठते आ रही थी, तो फिलहाल केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले कुछ द्वीपों का नाम परिवर्तित कर दिया है। देखिए वो नाम कौन कौन से है जिनके नाम चेंज हुए हैं वो द्वीप। एक है आपका रॉस द्वीप, जिसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखिए मैंने यहाँ नेताजी द्वीप लिख रखा है, लेकिन उनका पूरा नाम चेंज हुआ है, आपका रॉस द्वीप का नाम है
है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, दूसरा है आपका नील द्वीप, नील द्वीप का नाम चेंज हुआ है आपका शहीद द्वीप, और तीसरा है आपका हैकलॉक द्वीप, हैकलॉक द्वीप जिसका नाम चेंज हुआ है आपका स्वराज द्वीप, ठीक नाम याद रखिएगा, रॉस द्वीप जिसका नाम हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, दूसरा है आपका नील द्वीप जिसका नाम परिवर्तित हुआ है आपका शहीद द्वीप, और तीसरा है आपका हैकलॉक द्वीप जिसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है स्वराज द्वीप। देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके नाम परिवर्तित किए जाने के लिए काफ़ी समय से काफ़ी राजनीतिक दल मांग कर रहे थे, इसका कारण क्या था? देखिए जो अब जो आपके सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, वो आज़ाद हिंद फौज का गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते सिंगापुर का पतन हो गया, जिसके पश्चात जो सिंगापुर है वो आ गया आपके जापान के नियंत्रण में, तो आज़ाद हिंद फौज की सेना जापानी सेना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध कंटिन्यू लड़ाई लड़ रही थी। जापानी सेना तथा आजाद हिंद फौज की सेना दोनों ने मिलकर के भारत के इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और इस अंडमान निकोबार ये पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जापानी सेना ने या जापान की सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को सौंप दिया, जिसके पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम परिवर्तित करके रख दिया था आपका शहीद स्वराज द्वीप। 6 नवंबर 1943 को इस आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पर हमारे आज़ाद हिंद फौज का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, और इसी 6 नवंबर 1943 को ही सुभाष चंद्र बोस ने इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम परिवर्तित करके आपका शहीद स्वराज द्वीप नाम रख दिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात आपके आज़ाद हिंद फौज की जो सेना है उनका भी पतन हो गया, बाद में ये अंडमान निकोबार समूह पुनः आपके अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया, तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया था, इस कारण से इसके नाम को चेंज किए जाने के लिए काफी समय से मांग उठ रही थी। तो फिलहाल इसके पूरे के पूरे इस द्वीप समूह का नाम परिवर्तित नहीं किया गया, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले इन छोटे छोटे 3 द्वीप समूह है उनका नाम बस परिवर्तित किया गया है। तो ये छोटी सी एक हिस्ट्री थी, उसको याद रखिएगा कि पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने शहीद स्वराज द्वीप करके इसका नाम रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शाहपुर कंडी डैम, ये स्थापित हो रहा है आपका रावी नदी पंजाब के रावी नदी पर, यह आपका शाहपुर कंडी डैम स्थापित हो रहा है। देखिए ये जो डैम है इसे बनाए जाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, एक्चुअली में इस डैम को बनाए जाने का एक कारण ये है कि सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौता। देखिए पंजाब से होते हुए आपकी 5 नदी बहती है, उन 5 नदियों में से जो 3 नदी है आपके रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों पर जो 3 नदियों के जो पानी है उसके उपयोग करने का एकाधिकार, उन पानियों के उपयोग करने का एकाधिकार इस सिंधु जल समझौता के अंतर्गत प्राप्त हुआ है भारत को। कौन कौन सी नदी? रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ठीक, तो ये जो आपके रावी नदी है इसी रावी नदी के तट पर हमारा भारत का भी पंजाब बसा हुआ है और पाकिस्तान का भी पंजाब बसा हुआ है। तो जो रावी नदी के तट पर जो पाकिस्तान में बसा हुआ जो पंजाब है वहीं पर अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में एक निजी कंपनी ने वहां पर अपना एक प्लांट स्थापित किया है जो रावी नदी के जल का उपयोग कर रहा है, जो कि सिंधु जल समझौता का एक तरीके का उल्लंघन है। तो इस डैम के मदद से इस रावी नदी के जल को रोका जा रहा है, एक तरीके का यह विवादित डैम है, इसलिए याद रखिएगा सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ जिसके अंतर्गत रावी, सतलज और व्यास नदी के पानी का उपयोग करने का एकाधिकार हमारे भारत को प्राप्त हुआ था, तो उसी सिंधु जल समझौता के अंतर्गत ही इस शाहपुर कंडी डैम का निर्माण हुआ है। कहां पर? रावी नदी पर, पंजाब में। नेक्स्ट फ्रंट विलेज ये स्थापित किया जा रहा है आपका वाराणसी में। फ्रंट विलेज एक तरीके का लॉजिस्टिक पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क के तर्ज पर इस फ्रंट विलेज की स्थापना की जा रही है। फ्रंट का एक्चुअल मीनिंग होता है भाड़ा, जो किराया भाड़ा का जो यूज़ होता है ना उस फ्रंट का एक्चुअल मीनिंग होता है भाड़ा। देखिए ये जो फ्रंट विलेज वाराणसी में स्थापित किए जाने का एक मुख्य कारण ये है कि जो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग प्रोवाइड करना लॉजिस्टिक दृष्टि से। देखिए ये जो आपका वाराणसी है इस वाराणसी में आपका राष्ट्रीय जलमार्ग भी मौजूद है, परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भी मौजूद है, इसके अलावा आपका एयरपोर्ट भी मौजूद है। तो ये जो आपका वाराणसी है, वाराणसी में आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 1 मौजूद है, नेशनल हाईवे नंबर 2 और नेशनल हाईवे नंबर 7 मौजूद है, इसके अलावा एयरपोर्ट मौजूद है, इसलिए फ्रंट विलेज, भारत का पहला फ्रंट विलेज स्थापित किया गया है आपके वाराणसी में।
नेक्स्ट, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है आपके केरल में, याद रखिएगा इसका नाम, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ मौजूद है, केरल में। इस कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्थापित किए जाने के पश्चात केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अपने खुद के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद है आपके केरल में। देखिए, इस कन्नूर के स्थापित किए जाने के पहले भी यहाँ पे 3 मौजूद थे, एक था आपका कोची, दूसरा कोझिकोड, तीसरा था आपका तिरुवनंतपुरम। ये तीनों के तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से मौजूद थे। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने इस कन्नूर हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में स्थापित किए जाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास खुद के स्वयं के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, देश का 25वां उच्च न्यायालय देश का 25वां उच्च न्यायालय या 25वें नंबर का हाईकोर्ट स्थापित किया गया है आपके 1 जनवरी 2019 को, ये स्थापित किया गया है आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थापित आपका जो ये हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये आपका देश का 25वां उच्च न्यायालय है। इसके साथ एक आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 214, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए उनके एक स्वयं, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। आर्टिकल 214 इतना याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक। उसके साथ साथ देश का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, यह है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, गांधी कोटा किला मौजूद है आपके आंध्र प्रदेश में। गांधी कोटा किला कहाँ मौजूद है, आंध्र प्रदेश में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सरकार आपका अडॉप्ट अ हेरिटेज यानी जो आपके कुछ पुरातात्विक स्थल है ना, जो ऐतिहासिक स्थल है, उसे निजी कंपनियों को गोद लिए जाने की प्रथा एक प्रारंभ की गई है अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत। इसी के तर्ज पर जो आपके डालमिया ग्रुप को लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है, उसे डालमिया ग्रुप को प्रदान किया गया था, जो कि एक निजी कंपनी है जो अपने स्तर पर इस लाल किले में आपके पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ये सारे चीज़ों पर वो निगरानी रखेगी। तो इसी डालमिया ग्रुप को लाल किला के साथ साथ जो आपका आंध्र प्रदेश का ये जो है गांधी कोटा किला इसे भी प्रदान कर दिया गया है डालमिया ग्रुप को। तो इसका नाम याद रखिएगा कि गांधी कोटा किला कहाँ मौजूद है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, तैरता हुआ परमाणु संयंत्र, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र कहाँ मौजूद है, रूस में। यहाँ पर एक शिप में एक परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर जो संचालित किया जा रहा है, जिसका नाम है आपका अकादमिक लोमोनोसोव। ये विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय संयंत्र है, जो कि लगभग 75 मेगावाट की आपकी बिजली का उत्पादन कर रहा है। ये एक शिप में आपका न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर के समुद्र में कंटिन्यू या भ्रमण कर रहा है। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र कहाँ पर संचालित किया जा रहा है, ये है आपके रूस में। नाम क्या है, अकादमिक लोमोनोसोव। नेक्स्ट है आपका क्राकाटोवा ज्वालामुखी, जो कि मौजूद है आपके इंडोनेशिया में। अभी आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ सुना होगा कि इंडोनेशिया में सुनामी आने के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वो जो सुनामी आया, वह एक ज्वालामुखी जनित सुनामी था। ये जो क्राकाटोवा ज्वालामुखी है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जब यह आपका क्राकाटोवा ज्वालामुखी जब सक्रिय हुआ, तो उस समय इंडोनेशिया के गवर्नमेंट ने पहले ही आपका एक अलर्ट जारी कर दिया था, जिससे ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण जो आपकी जमीन कंपन होती है, जैसे आपका एक ज्वालामुखी जैसे ही उद्भव होता है, उसका ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। उस वाइब्रेशन के कारण जो आपके इंडोनेशिया, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ इंडोनेशिया है, उसमें आ गई सुनामी। तो यह एक ज्वालामुखी जनित सुनामी था, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के होने के कारण आपका इंडोनेशिया में यह सुनामी आया। तो याद रखिएगा कि क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहां मौजूद है, यह मौजूद है आपके इंडोनेशिया में, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और यही इंडोनेशिया में आने वाले सुनामी, ज्वालामुखी जनित सुनामी का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट, कुछ नियुक्तियां और कुछ व्यक्तित्व परिचय। देखिए, आरबीआई गवर्नर, अभी हाल फिलहाल में आपके जो गवर्नर थे आरबीआई के, उर्जित पटेल के द्वारा आपका इस्तीफा दे दिया गया था। उसके पश्चात अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं आपके शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। उसके अलावा नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त है आपका सुधीर भार्गव। इनका भी नाम याद रखिएगा, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है, सुधीर भार्गव। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2018 जो है, वो है आपकी
वेनेसा लियोन, मेक्सिको की वेनेसा लियोन जो है मिस वर्ल्ड 2018। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स 2018, मिस यूनिवर्स 2018 है आपका कैट्रियोना ग्रे, कैट्रियोना ग्रे फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे जो की है आपकी मिस यूनिवर्स 2018। दोनों का नाम याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2018 है आपका वेनेसा लियोन जो कि मेक्सिको की है, मिस यूनिवर्स 2018 जो है वो है आपकी कैट्रियोना ग्रे फिलीपींस की। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जिसमें नामित हुए हैं आपके जमाल खशोगी। देखिए ये जो जमाल खशोगी है ये आपके सऊदी अरब के एक पत्रकार है, टाइम मैगजीन जिन्होंने अपने टाइम मैगजीन 2018 के फ्रंट पेज पर पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के रूप में जमाल खशोगी की फोटो अपने फ्रंट पेज पर छापी। ये जो आपके जमाल खशोगी है ये आपके सऊदी अरब के एक पत्रकार है जो कि अपने स्वतंत्र विचारधारा के लिए जाने जाते थे। पिछले साल ही इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के कारणों का तो फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन इनकी जो सऊदी अरब में रहते हुए इन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस की नीतियों पर हमेशा कटाक्ष करते थे, तो इनका जो साथ ही साथ जो सऊदी अरब में जो रूस की जो आर्मी किसी भी क्षेत्र में कभी भी प्रवेश कर जाती थी उस पर इनका कंटिन्यू कटाक्ष होता था, इनकी इस नीतियों पर कटाक्ष और रूस की सेनाओं पर। तो जब इनकी जो मृत्यु हुई उस मृत्यु के भी कारणों का किसी प्रकार का पता नहीं चल पाया। इस कारणों से जो आपके खशोगी की जो मृत्यु हुई तो उनको एक सम्मान के स्वरूप में टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पर पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के रूप में इनके फोटो को छापा। साथ ही साथ टाइम मैगजीन में यह पहली बार हुआ है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित करते हुए उसकी तस्वीर इस टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पे छापी है। अब तक टाइम मैगजीन हमेशा किसी न किसी जीवित व्यक्ति का फोटो छापते रहा है, इस साल पहली बार है कि किसी मृत व्यक्ति सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की फोटो इस टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पे छापा और इसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के रूप में भी इन्होंने नवाजा है। ठीक, नेक्स्ट 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो आपके दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, इन्हें अभी जो आपका गणतंत्र दिवस होने वाला है, 70वां गणतंत्र दिवस जो अभी होगा आपका 26 जनवरी 2019 को होगा, इसके मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा। नाम याद रखिएगा, इससे पहले जो पिछले साल जो गणतंत्र दिवस हुआ आपका 69 नंबर का, उसमें बुलाया गया था आपके एशियन देशों का जो समूह है उसके 10 राष्ट्रीय प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था पिछले साल, लेकिन इस साल यानी 26 जनवरी 2019 के लिए 70वें गणतंत्र दिवस के लिए इस साल आमंत्रित किया गया है आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को। दोनों याद रखिएगा, 69वें यानी 69th गणतंत्र दिवस के लिए किन्हें बुलाया गया था? एशियान देशों के समूहों में जो 10 राष्ट्रीय प्रमुख है, 10 राष्ट्रों के जो प्रमुख है उन्हें आमंत्रित किया गया था। इस साल बुलाया जा रहा है आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट वेदांगी कुलकर्णी, ये साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली, सबसे तेज गति से चक्कर लगाने वाली पहली एशिया महिला है। पूरी दुनिया का साइकिल के माध्यम से चक्कर लगाने वाली पहली एशिया महिला है, जिसका नाम क्या है? वेदांगी कुलकर्णी। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले नंबर पर है आपका न्यू एरा। यह एक 3D ई बाइक है। 3D ई बाइक मतलब इसके जितने भी पार्ट्स बने हैं ये 3D प्रिंटर से इसको डेवलप किया गया है। इसके इंजन से लेकर इसके पहियों से लेकर के इसकी जो बैटरी है सभी चीज़ों को एक 3D प्रिंटर के द्वारा उसे डेवलप किया गया है। ठीक है, इसे बनाया है जर्मनी की एक निजी कंपनी ने जिसका नाम रखा गया है नेरा। यदि इसको हम तोड़े तो इसका नाम होता है न्यू एरा, मीन्स नई पीढ़ी। ठीक है, तो विश्व की पहली 3D बाइक, 3D प्रिंटर से निर्मित बाइक किस देश के द्वारा बनाया गया? जर्मनी के द्वारा। नाम क्या है? नेरा। नेक्स्ट नोमोफोबिया, जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपने डिक्शनरी में शामिल करते हुए इसे पीपल्स वर्ड
2080 के रूप में चुना है, पीपल्स वर्ड 2080, जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपने डिक्शनरी में शामिल किया। नाम क्या है? नोमोफोबिया। नोमोफोबिया एक्चुअली में यह तीन वर्ड को मिलकर बना हुआ है, नो मोबाइल फोबिया, यानी किसी व्यक्ति के आसपास उसका मोबाइल न होने पर जो उसकी डर की स्थिति रहती है, जो भय की स्थिति रहती है, उसके लिए यह टर्म यूज किया जाता है, नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया। ठीक, तो ये जो नोमोफोबिया है इसे पीपुल्स वर्ड 2080 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, चैंग ई फोर मिशन। चैंग ई फोर मिशन ये चाइना के द्वारा मून के डार्क साइड पर के अध्ययन के लिए, डार्क साइड के अध्ययन के लिए भेजा गया एक मिशन है, चैंग ई फोर मिशन। देखिए, इससे पहले भी चंद्रमा पर कई मिशन भेजे गए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि चंद्रमा के डार्क साइड, जैसे आप देखे होंगे तो कि जो हमारे पृथ्वी से जो चंद्रमा दिखता है उसका एक ही साइड हमें दिखाई देता है, लेकिन जो उसका पिछला हिस्सा है, जो अंधकार वाला हिस्सा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो उस अंधकार वाले हिस्से पर चीन ने पहली बार उस चंद्रमा के अंधकार वाले हिस्से के अध्ययन के लिए अपना इस चैंग ई फोर मिशन को भेजा है। चैंग जो नाम है ये आपके चाइना में चंद्रमा देवी के लिए उपयोग होता है, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया है चैंग ई फोर मिशन, जो कि मून के साइट के अध्ययन के लिए भेजा गया पहला मिशन है। नेक्स्ट, कैगा परमाणु संयंत्र। कैगा परमाणु संयंत्र ये मौजूद है आपके कर्नाटक में, याद रखिएगा, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ मौजूद है? आपके कर्नाटक में, जो कि स्वदेश निर्मित एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, स्वदेश निर्मित न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका नाम क्या गया है आपका परमाणु, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए, इस कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अभी हाल फिलहाल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 940 से अधिक दिन, 940 से अधिक दिन तक निर्बाध संचलन का इसने रिकॉर्ड बनाया है। कंटिन्यू 940 से अधिक दिन तक यह अभी रनिंग कंडीशन पर है। इससे पहले 940 दिन तक चलने का कंटिन्यू संचलन का रिकॉर्ड आपका यूनाइटेड किंगडम के पास था, उसका होशाम फोर नामक एक न्यूक्लियर रिएक्टर है आपके यूनाइटेड किंगडम का, जो कि लगभग 940 दिन तक कंटिन्यू संचलन हुआ था उसका। उस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए हमारे इंडिया ने जो स्वदेश निर्मित कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसने 940 से अधिक दिन तक निर्बाध संचलित होकर के उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। अभी तक यह विश्व में कंटिन्यू संचलित होने वाला, यह हमारा कैगा परमाणु संयंत्र सबसे अधिक दिन तक निर्बाध संचलित होने वाला परमाणु रिएक्टर बन गया है। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो आपका कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका PHWR टाइप का है। देखिए, अलग अलग प्रकार होते हैं, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ये जो आपका कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये है आपका PHWR, मीन्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी दाब युक्त भारी जल रिएक्टर है ये। ठीक, ये भी याद रखिएगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ मौजूद है? कर्नाटक में मौजूद है। यह स्वदेश निर्मित है, जो कि 940 से अधिक दिन तक निर्बाध संचलित होने का इसने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल में दिसंबर में दो प्रोडक्ट को आपका टैग GI टैग प्रदान किया गया। पहले नंबर पर है आपका पोकल्ली धान, जो कि आपके केरल में इसका उपज होता है, और दूसरा है आपका सिलाव खाजा, जो कि एक प्रकार का मिठाई है, जो कि आपके बिहार में प्रचलित है। इन दो प्रोडक्टों को अभी हाल फिलहाल में GI टैग प्रदान किया गया है। ये जो आपका पोकल्ली धान है, ये आपका केरल में इसकी उपज होती है, इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर से अधिक होती है, इसका जो उपयोग कई स्थानों पर औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में जब केरल में जब बाढ़ आया था, तो उस बाढ़ की स्थिति में भी जहां सभी फसल खराब हो गए, उस कंडीशन में भी इसकी जो ऊंचाई है 2 मीटर होने के कारण पूरा का पूरा केरल जलमग्न हो गया, लेकिन इसकी उपज में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट के कारण, लगभग 2 मीटर की इसकी हाइट होती है। इस धान का उपयोग कई जगहों पर औषधि क्षेत्र में भी किया जाता है। याद रखिएगा, पोकल्ली धान कहाँ की मतलब प्रसिद्ध उपज है, या किस क्षेत्र के पोकल्ली धान को आपको GI टैग प्रदान किया गया है, तो वो है आपका केरल। दूसरा सिलाव खाजा, ये एक प्रकार का मिठाई है, जो कि आपके बिहार को इसका GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, CO2 उत्सर्जक देश। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जित करने वाले देशों की सूची में हमारा भारत चौथे स्थान पर है। भारत के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में आपका चौथे स्थान पर है, जो कि वो आपका CO2 गैस का प्रोड्यूस करता है। देखिए, पहले नंबर पर है आपका चाइना। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें चाइना एक बार के प्रश्न पूछा गया था व्यापम के द्वारा, जिसका आंसर लिया गया था चाइना। चाइना कंटिन्यू अभी फर्स्ट पोजिशन पर है इस CO2 उत्सर्जक देशों में।
चाइना के द्वारा पूरे विश्व का लगभग 27% CO2 प्रोड्यूस किया जाता है एटमॉस्फेयर में। सेकंड नंबर पर है आपका यूएसए मींस अमेरिका, जिसके द्वारा 15% CO2 एटमॉस्फेयर में आपका प्रोड्यूस किया जाता है। तीसरे नंबर पर है आपका ईयू मींस यूरोपियन यूनियन, जिसके द्वारा 10% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। जबकि चौथे नंबर पर है भारत, भारत के द्वारा पूरे विश्व का लगभग 7% CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, टॉप फोर के नाम भी याद रखिएगा, पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे आपका यूरोपियन यूनियन और चौथे नंबर पर है हमारा भारत। ठीक, नेक्स्ट खेल, हॉकी विश्व कप 2018। अभी हाल फिलहाल में हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन हमारे भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था? आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में इस हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ था, जिसमें विजेता रही आपकी बेल्जियम, विजेता रही बेल्जियम, उप विजेता रही आपकी नीदरलैंड। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके इस हॉकी विश्व कप पर हॉकी विश्व कप को अपने नाम किया। ठीक, नेक्स्ट विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब अपने नाम किया है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने इस विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब अपने नाम किया है। इस खिताब को ये अब तक कुल 4 बार अपने नाम कर चुके हैं। सबसे पहली बार वर्ष 2013 में इन्होंने भारत के विश्वनाथन आनंद को हरा करके सबसे पहली बार अपने करियर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। उसके बाद कंटिन्यू 4 साल से ये इसे जीतते आ रहे हैं। नेक्स्ट यूरोप गोल्डन शू, यूरोप गोल्डन शू इस साल प्रदान किया गया है आपका लियोनल मेसी को। लियोनल मेसी को इस साल गोल्डन शू प्रदान किया गया है। ये गोल्डन शू से प्रश्न पीएससी 2015 में पूछ चुका है, तो इस गोल्डन शू से किसे प्रदान किया गया है इसका भी नाम याद रखिएगा। गोल्डन शू प्रदान किया गया है आपका लियोनल मेसी को। नेक्स्ट खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन किया जा रहा है आपका पुणे महाराष्ट्र में, इसको याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में करंट में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 प्लेयर्स, एक सा है आपके आकर्षी कश्यप और दूसरा है आपके शिवाक्ष साहू, ये दोनों ने इसमें अभी हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल जीता है। इसे हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बस अभी इसमें इतना ही याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ हो रहा है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट IPL 2019, IPL का भी हाल फिलहाल में 12वें संस्करण अभी होने वाला है। इस 12वें संस्करण में एक करंट का टॉपिक उसे याद रखिएगा कि जो दिल्ली डेयर डेविल्स है, दिल्ली डेयर डेविल्स ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। एक नए नाम के साथ इस IPL 12 में दिल्ली डेयर डेविल्स उतरने वाली है। उनका नाम चेंज होकर के हो गया है आपका दिल्ली कैपिटल्स। इस दिल्ली कैपिटल्स के नए नाम के साथ इस IPL 12 में ये दिल्ली की टीम उतरने वाली है। इसके कप्तान हैं आपके श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो कि एक युवा खिलाड़ी है, उसे दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया है। तो याद रखिएगा किस एक टीम का नाम परिवर्तित हुआ है इस IPL 2012 में, तो वो है आपके दिल्ली का, जिसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट चिडोवा, चिडोवा जो कि एक जॉर्जियाई कुश्ती है, याद रखिएगा चिडोवा एक जॉर्जियाई कुश्ती है, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे शामिल किया है। ठीक, जैसे आप सभी को मालूम है यूनेस्को कुछ पारंपरिक सांस्कृतिक या पुरातात्विक स्थलों को एक सूची निर्मित करता है, तो इसी में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में चिडोवा जो कि जॉर्जिया की एक पारंपरिक कुश्ती है उसे शामिल किया है। नेक्स्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018, ये क्रिकेटर है ना, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 इसे प्रदान किया गया है आपके स्मृति मंधाना को। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है आपके स्मृति मंधाना को। ये वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दूसरी महिला है भारत की जिन्हें यह वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के उसमें शामिल किया गया है। इससे पहले झूलन गोस्वामी जो कि एक तेज गेंदबाज है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, उन्हें सबसे पहले वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। इस साल स्मृति मंधाना जो कि भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर है जिन्हें वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के रूप में ICC के द्वारा चुना गया है। तो याद रखिएगा कौन है वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018, स्मृति मंधाना। ठीक, नेक्स्ट है कुछ रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 11वां। बस इसमें रैंक याद करते चलिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। कई रैंकिंग आए हैं इस दिसंबर माह और जनवरी माह में भी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग है उन्हें ही बता रहा हूँ। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो कि भारत की रैंकिंग है उसमें 11वें नंबर पर। स्टेट स्टार्टअप्स रैंकिंग केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसकी सूची जारी की गई है, जिसमें सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है आपका गुजरात।
स्टेट स्टार्टअप्स रैंकिंग 2018 में। नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ रेट मीन्स सकल घरेलू उत्पाद 2018-19 या भारतीय विकास दर 2018-19 ये अनुमान अभी आए हैं। एक जो हमारे भारत की जो संस्था है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2018-19 में भारत का जो विकास दर है, भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 7.2% होना अनुमानित है। ठीक। सेकंड है आपका वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2018-19 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट, विकास दर रहेगा आपका 7.3% उसका विकास दर होना अनुमानित है। याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। एक हमारे जो भारत का जो संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा 7.2% अनुमानित है 2018-19 के लिए, जबकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 7.3% अनुमानित है 2018-19 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट या विकास दर। ठीक। नेक्स्ट कृषि कर्मण पुरस्कार, चावल श्रेणी का कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है झारखंड को। याद रखिएगा चावल श्रेणी का कृषि कर्मण पुरस्कार इस साल किसे प्रदान किया गया है? झारखंड को। छत्तीसगढ़ को भी कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। लगभग 3 बार चावल श्रेणी का कृषि कर्मण पुरस्कार और 1 बार दलहन श्रेणी का कृषि कर्मण पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को भी प्रदान किया जा चुका है, लेकिन इस साल कृषि कर्मण पुरस्कार चावल श्रेणी का प्रदान किया गया है झारखंड को। नेक्स्ट वैश्विक स्थिति नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता, वैश्विक स्थिति नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत है 5वें नंबर पर। यानी नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, इसके माध्यम से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस मामले में जो कितनी क्वांटिटी पे जो उत्पादन किया गया उस मामले में हमारा भारत है 5वें पोजीशन पर। लगभग 81.15 बिलियन यूनिट, 81.15 बिलियन यूनिट आपका नवीनीकरण ऊर्जा के प्रोडक्शन के साथ भारत 5वें नंबर पर है पूरे विश्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट G20 सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया आपका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, इस ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ही नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है कि जो G20 का जो सम्मेलन है 2021 में जो इटली में होने वाला था उसे 2022 में भारत में किया जाएगा, इसकी घोषणा इसी G20 सम्मेलन में किया गया। G20 सम्मेलन 2022 जो कि होगा हमारे भारत में, इसका कारण क्या है? उस जो आपका भारत में 2022 में आपका 75वां स्वतंत्रता दिवस आयोजित होगा, याद रखिएगा भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस आयोजित होगा आपका 2022 को, इसीलिए उस पल को यादगार बनाने के लिए इस G20 सम्मेलन का आयोजन हमारे भारत में होना है। ठीक। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 जिसका आयोजन किया गया है आपका काटोविस पोलैंड में आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपका सतत नीली क्रांति सम्मेलन 2018, सतत नीली क्रांति सम्मेलन 2018 जिसका आयोजन किया गया आपका नैरोबी केनिया में। नीली अर्थव्यवस्था ये आपके संबंधित है नीली क्रांति जो कि संबंधित है आपके मत्स्य उत्पादन से यह संबंधित है। तो इस सतत नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जो विश्व स्तर पर जो आपके महासागर मौजूद है, जो जलीय संसाधन मौजूद है, उसको जो मत्स्य उत्पादन है उसे एक अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में लाना। तो ये पहली बार है और यह पहला सम्मेलन है आपकी नीली अर्थव्यवस्था का सम्मेलन, सतत नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन जो कि आपका आयोजन हुआ नैरोबी केनिया में। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ओपेक कंट्रीज, जो ओपेक है ये आपके पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये लगभग 15 देशों का एक समूह है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है ये मौजूद है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। अभी हाल फिलहाल में इस 15 देशों के समूह से कतर ने अलग होने का फैसला ले लिया है। कतर जो कि इस ओपेक मींस पेट्रोलियम निर्यातक देशों जो 15 देशों का समूह है उससे अलग होने का फैसला ले लिया है। इसके पश्चात अब ओपेक में जो आपके सदस्यों की संख्या हो जाएगी 14, याद रखिएगा ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या 15 थी, कतर इससे बाहर हो गया है। आपसे पूछ सकता है कि ओपेक से अभी हाल फिलहाल में कौन सा देश बाहर हुआ है, तो वो है आपका कतर।
नेक्स्ट रिंगे, रिंगे जो कि आपका जमैका का एक संगीत है, जमैका, जमैका याद तो होगा आपको, यूसेन बोल्ट। तो ये जो आपके जमैका का एक संगीत है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया है, इसका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर है आपका सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति का दर्जा प्रदान किया है, हाल ही में विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति का दर्जा प्रदान किया है, नाम है आपका सहरिया जनजाति। इस सहरिया जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है ये है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। सहरिया जनजाति जिसे हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति के रूप में इन्हें शामिल किया है, तथा इस सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, राजस्थान और मध्य देश में। नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन, अभी हाल फिलहाल में आपके जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है अगले 6 महीने के लिए, इसे याद रखिएगा, अगले 6 महीने के लिए इस जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जो आपकी वहाँ पे महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी पीडीपी और जो बीजेपी दोनों के गठबंधन पे वहाँ पे सरकार बनी थी, जो कि गठबंधन टूटने के पश्चात सरकार गिर गई, उसके पश्चात वहाँ पे राज्यपाल शासन लग गया था, लेकिन हाल फिलहाल में राज्यपाल के आग्रह पर यहाँ पे आपका राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो जितने भी विधायी संबंधित फैसले हैं वो डायरेक्टली केंद्र सरकार यानी संसद के अंडर में आ चुकी है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो वो याद रखिएगा, ये लागू हुआ है आपके जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट एनआरसी, एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। देखिए ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, मैं पिछले करंट अफेयर शायद नवंबर या अक्टूबर के करंट अफेयर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा ये एनआरसी क्या है, मैं इससे संबंधित मटेरियल भी आपको शेयर कर चुका हूँ, तो इसको अगर मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि एनआरसी किस राज्य से संबंधित है, तो वो संबंधित है आपके असम से, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट खोपरा, खोपरा जो कि जैसे आप जो नारियल का जो सूखा हुआ भाग रहता है, सूखा हुआ जो नारियल रहता है उसे कहा जाता है खोपरा। तो अभी 2018-19 के लिए तो ऑलरेडी आपका MSP मीन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, लेकिन इस खोपरा के लिए वर्ष 2019 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्र सरकार ने भी हाल फिलहाल में जारी किया है, तो इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो होगा आपका 9,521 रुपये प्रति क्विंटल। खोपरा का 2019 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा आपका 9,521 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक, नेक्स्ट मराठा, मराठा आरक्षण, अभी महाराष्ट्र ने हाल फिलहाल में 16% आरक्षण प्रदान किया है मराठा समुदाय को, मराठा समुदाय को राज्य सरकार, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 16% का आरक्षण प्रदान किया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10% सवर्ण आरक्षण, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% का आरक्षण प्रदान की है केंद्र सरकार ने, 10% सवर्ण आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का रिजर्वेशन प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके लिए एक विधेयक लाया गया था, विधेयक कौन सा था, 124वां संविधान संशोधन विधेयक, 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। देखिए ये है आपका विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था आपका GST वाला, 123वां संविधान संशोधन विधेयक था आपका राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 124वां संविधान संशोधन विधेयक है आपका 10% सवर्ण आरक्षण। तीनों को याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि संबंधित है आपके GST से, 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि संबंधित है आपके राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, और ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि संबंधित है आपके 10% सवर्ण आरक्षण, ये 23वां और 24वां दोनों पिछले साल के करंट अफेयर में शामिल थे, दोनों को याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये तो थे विधेयक GST, अब ये तो ये जो है संविधान संशोधन और ये विधेयक, ये दोनों अलग अलग चीजें याद रखिएगा। देखिए ये जो विधेयक है सबसे पहले इसे पेश किया जाता है लोकसभा में, लोकसभा पारित करती है, उसके बाद पेश किया जाता है इसे राज्यसभा में, राज्यसभा के पारित करने के पश्चात जब इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तब जाकर के ये विधेयक बनता है कानून, कानून या अधिनियम, उसे कहा जाता है आपका संविधान संशोधन। भारत में अब तक केवल 101 संविधान संशोधन हुए हैं, याद रखिएगा,
इसे पढ़कर यह मत समझिएगा कि भारत में 124 संविधान संशोधन हो चुके हैं, नहीं, 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के पश्चात जब राष्ट्रपति के द्वारा उसे हस्ताक्षरित किया गया और 1 जुलाई 2017 को जब यह अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ तब यह बना कानून। तो 101वां संविधान संशोधन है आपका जीएसटी, जीएसटी आपका सबसे नवीनतम आपका संविधान संशोधन है, याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन है आपका जीएसटी, ठीक। ये है आपका विधेयक, विधेयक जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के पश्चात जब राष्ट्रपति हस्ताक्षरित करता है उस पर अपना सिग्नेचर करता है उसके बाद बनता है वो कानून और उसके बाद बनता है वो अधिनियम। तो विधेयक और अधिनियम में कंफ्यूज मत होइएगा, विधेयक जिसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है फिर उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करते हैं साइन करते हैं तब जाके बनता है वो अधिनियम और तब जाकर के संविधान पे संशोधन किया जाता है, ठीक। तो कोई ये मत बोलिएगा कि भारत में अब तक टोटल 124 संविधान संशोधन हो चुके, नहीं, ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। कई बार क्या होता है कि लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में ये विधेयक अटक जाते हैं तो ये कानून नहीं बन पाता, ठीक, या राष्ट्रपति यदि इस विधेयक को अटका दिया तो ये कानून नहीं बन पाता। जब ये पूरे के पूरे लोकसभा राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाते हैं उसके पश्चात यह बनता है अधिनियम और उसके पश्चात ही संविधान संशोधन यह कहलाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में अब तक 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 101वां संविधान संशोधन है आपके जीएसटी का, ठीक। यदि आपसे संविधान संशोधन विधेयक पूछा जाए तो अभी सबसे नवीनतम संविधान संशोधन विधेयक है 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि संबंधित है आपके 10% सवर्ण आरक्षण से। उसके साथ 3 संविधान संशोधन विधेयक के भी नाम याद रखिएगा, 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि था जीएसटी, 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि था आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसे एसटी एससी आयोग होता है ना, अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग, वैसे ही ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक अलग से आयोग बनाए जाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ये विधेयक अभी फिलहाल इसका क्या हुआ, ये लोकसभा से पारित हो गया था, राज्यसभा से पारित हो गया था, इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया या नहीं किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे बस इतनी ही जानकारी है कि 101 संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं और आप भी अभी इससे इतना ही याद रखिएगा, ठीक। अब इस राष्ट्रपति ने तो इस पर सिग्नेचर कर दिया है लेकिन अब यदि इसमें संविधान संशोधन किए जाएंगे तो संविधान संशोधन किए जाने के पश्चात इसमें जो इफेक्ट होंगे वो है 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 जो कि सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 16 जो कि अवसरों की समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो आपके अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 15(4) और (5) है जिसमें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलता था, तो इस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन जो लिखा हुआ है उसमें एक नया टर्म या एक नया शब्द इसमें ऐड किया जाएगा वो है आपके आर्थिक। तो क्या हो जाएगा, अब सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो कि अवसरों की समानता यानी जो जॉब में जो आरक्षण प्रदान किया जाता है स्पेशली जो रिजर्वेशन है वो है आपके अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4) जो कि आरक्षण से संबंधित है, ठीक। तो अनुच्छेद 16(4) और आपका 16(4)(क) और 16(4)(ख) देखिए आर्टिकल यदि पूछा गया तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15 और 16। और डीप में जाना है तो इसमें जो प्रभावित होंगे वो है आपके अनुच्छेद 15(4), 15(5), इसके अलावा अनुच्छेद 16, 16(4), 16(4)(क), 16(4)(ख) इतने अनुच्छेद इसके अंतर्गत प्रभावित होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 10% सवर्ण आरक्षण में अनुच्छेद 15 और 16 प्रभावित होने वाले हैं, या इसमें कुछ नए टर्म ऐड किए जाएंगे या इसमें संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि किन्हें किन जनरल कैटेगरी के लोगों को यह 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए जिनका आय जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो, इनकम 8 लाख से कम हो, कृषि भूमि जो कृषि भूमि है वो आपका 5 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, इनकम 8 लाख से कम हो, कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, जो घर है घर आपका 1000 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए, उसके अलावा प्लॉट जो प्लॉट है म्युनिसिपल एरिया में जो प्लॉट है वो आपका 981 वर्ग फीट के आसपास या उससे कम होना चाहिए, गैर म्युनिसिपल एरिया में आपका जो प्लॉट साइज़ है वो आपका 1881
1881 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को भी याद रख लीजिएगा। इनकम 8 लाख से कम, कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम, घर का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम, म्यूनिसिपल प्लॉट 981 वर्ग फीट के आसपास या उससे कम, गैर म्यूनिसिपल एरिया में जो प्लॉट है उसका जो साइज़ है वो 1881 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, उन्हें इस 10% सवर्ण आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखिए, इस जब इसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया तो इस विधेयक पर न्यायिक पुनर्विलोकन की मांग की जा रही थी। इसका एक कारण ये था, 1992 में आया था आपका इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। देखिए, जो इंदिरा साहनी है उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि भारत में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अपने वोटों को कलेक्ट करने के लिए इस आरक्षण से खेल सकती है, यानी इस आरक्षण के मुद्दा को उठा करके वो अपना एक राजनीतिक लाभ उठा सकती है। तो इंदिरा साहनी वाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि भारत में किसी भी कंडीशन में आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी वाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि भारत में किसी भी कंडीशन में जो आपका रिजर्वेशन है वो आपका 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो अभी प्रेजेंट सिनारियो में अभी जो है आपका एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन है वो 15% है, एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्वेशन है वो 7.5% है, ओबीसी कैटेगरी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन है वो है आपका 27% है। यदि आप तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है आपका 49.5% 49.5% ही होता है, यानी 50% से कम है। क्यों कम है? इंदिरा साहनी वाद 1992 के कारण। तो ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा से पारित होने के पश्चात भी इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया है और अब इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल जनवरी का ही करंट अफेयर है, कल परसों का ही करंट अफेयर है कि इस 10% सवर्ण आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है आपका गुजरात। याद रखिएगा, 10% सवर्ण आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक, तो इतने सारे टॉपिक याद रखिएगा। आज का वीडियो वैसे भी काफी लंबा बन गया है, लेकिन हर चीज़ को डिटेल में बताना थोड़ा जरूरी था। इससे रिलेटेड भी कई सारे डाउट्स मेरे पास आए थे, तो कई लोग का ये कहना था कि अभी तक 124 संविधान संशोधन हो चुके हैं लेकिन जीएसटी तो 101 संविधान संशोधन है, ऐसे बहुत से डाउट आए थे। लेकिन याद रखिएगा, विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जब उस पर साइन करता है तब जाके वो विधेयक कानून बनता है और तब जाके वो संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम दोनों में अंतर है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।